इंडिया में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आने वाले विंटर्स में है हम अपनी साड़ियों को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक तरीके आज की वीडियो में लेके आई हूँ और काफी इजी है। आप लोग बहुत इजीली तरीके से इस तरीके से अपनी साड़ियों को विंटर्स में पहन सकते हैं, जो कि काफी अच्छी भी लगती है। अगर आप मेरी तरह एक साड़ी लवर हैं तो आप लोग जरूर ये चाहते होंगे कि हम बाकी मौसम की तरह विंटर्स में भी अपनी साड़ियों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत इजी तरीके से पहने ताकि हमें ठंड ना लगे। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आप पेयर करके अपनी साड़ियों को बहुत आराम से विंटर्स में पहन सकते हैं। और अगर नहीं है तो इस वीडियो से आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा, वो सारी चीजें आप परचेज कर सकते हैं, या अगर है तो आप इन सारी चीजों के साथ आप उन साड़ियों को पेयर कर सकते हैं। फर्स्ट जिस साड़ी को मैंने पेयर किया है जिस टॉप के साथ, वो एक हाई नेक टॉप है। इस तरह का ब्लैक कलर का टॉप जो होता है वो काफी काम आता है। अगर आपके पास नहीं है तो ये जरूर लीजिए, ये बहुत सारी साड़ियों के साथ मैच कर जाता है इजिली। और ब्लैक कलर ऐसा है, मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत सारे कलर्स के साथ बहुत ही इजिली मिक्स एंड मैच हो जाता है। और इसको मैंने बहुत तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल किया है। फर्स्ट मैंने इसे इस तरीके से पहना है कि नॉर्मल जैसे हम साड़ी पहनते हैं उसके ऊपर हम अगर ब्लाउज लेते हैं उसकी जगह हमने इस टॉप को ले लिया है और इस तरीके से हम पहन सकते हैं और काफी अच्छा लगता है ये। साड़ी को कार्डिगन के साथ, कार्डिगन हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है, हम साड़ी के साथ बहुत इजीली तरीके से इसको पेयर कर सकते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि काफी कंफर्टेबल होता है। हम बस कोशिश करिए कि मैचिंग अगर आपके पास कार्डिगन है, और नहीं है तो ब्लैक कलर जरूर लीजिए। इसमें ब्लैक कलर बहुत इजीली किसी भी साड़ी के साथ मैच हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और मेरे पास ये साड़ी के साथ ऐसा रखा हुआ था सेम कलर का मैचिंग, और भी है मैं आज एक ही दिखा रही हूँ आपको। ये काफी अच्छा लग रहा है और इसको इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और साथ में मैचिंग ज्वेलरीज पहन लीजिए। और इसको आप इस तरीके से अगर पहनते हैं तो कोई भी ट्रेडिशनल फंक्शन या कोई भी पार्टी अटेंड कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से भी पहन सकते हैं इसको, लेकिन ये लुक मेरे को काफी अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको ये जरूर दिखा रही हूँ। लेते हुए और एक बेल्ट के साथ वेयर किया है, एथनिक बेल्ट। ये काफी स्टाइलिश लुक दे रहा है और ये इस तरीके से आप पहन के किसी भी अच्छे छोटे मोटे फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं, पार्टीज भी अटेंड कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है। इसके साथ आप अच्छी ज्वेलरी पेयर करिए जो कि काफी अच्छा और ट्रेडिशनल लुक देगा। Thank you.
मैंने सिल्क की साड़ी को इस टॉप के साथ वेयर किया है। ये मुझे बहुत ही पसंद है इस तरीके से वेयर करना, और काफी अच्छा भी लगता है, काफी स्टाइलिश लुक देता है। अगर आप लोगों के पास इस तरीके का टॉप है, वुलन टॉप, तो आप लोग भी इस तरीके से वेयर कर सकते हैं। लेकिन बस इस चीज का ख्याल रखिए कि अगर इस तरीके का थोड़ा ढीला ढाला टॉप है तो उसके साथ साड़ी ऐसी लीजिए जो थोड़ी लाइट हो, हल्की साड़ी हो, जो चिपक जाए बॉडी से, क्योंकि इसी से काफी अच्छा लुक आता है। और अगर आप ऊपर टॉप कोई फिटिंग का पहन रहे हैं तो अगर नीचे आप फुली फाली भी साड़ी पहनते हैं तो वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर इस तरीके का टॉप पहन रहे हैं तो इसके साथ आप इसी तरीके की साड़ी को वेयर करिए तो कम अच्छा परफेक्ट लुक आता है। तो ये आप पहन सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक पर्ल की ज्वेलरी को पेयर किया है जो कि काफी अच्छा लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हाईनेक टॉप के साथ देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर का वही टॉप है। और इसके ऊपर थोड़ा अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है और किसी फॉर्मल पार्टी को अटेंड करना है तो इस तरीके से भी आप पहन सकते हैं जो कि काफी स्टाइलिश लुक देता है। और इस तरीके से भी आप अपनी साड़ी को बहुत इजी तरीके से वेयर कर सकते हैं जिसमें ठंड भी नहीं लगेगी और आप लोगों का स्टाइल भी हो जाएगा साड़ी में। साड़ी को अपने शर्ट के साथ, लॉन्ग शर्ट है ये, वुलन शर्ट, और मुझे काफी पसंद है ये। और ये शर्ट काफी काम आता है और इसमें बहुत सारे कलर हैं मेरे पास, मैं और ये साड़ी से काफी अच्छा मैच कर रहा था तो मैंने इसके साथ स्टाइल किया इस शर्ट को। और अगर नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लोग भी इस तरीके से पहन सकते हैं साड़ी के साथ, काफी स्टाइलिश लुक देता है। और इसे मैं जीन्स के साथ भी पहन लेती हूँ तो भी अच्छा लगता है, इवन इसको मैं सूट के साथ भी पहन लेती हूँ तो भी काफी अच्छा लगता है। मैं बहुत जगह इस शर्ट को स्टाइल कर सकती हूँ और इसे अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग ऐसा शर्ट जरूर लीजिए और काफी अच्छा भी लगता है ये। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक आ रहा है इसमें। काफी अच्छा लुक देगा अगर आप कोई फॉर्मल पार्टी रात में अटेंड कर रहे हैं और काफी कोजी भी रहता है। इस तरह के कोट आप अगर है आपके पास तो इसे आप स्टाइल कर सकते हैं साड़ी के साथ, और सबसे सिंपल लुक है ये। ऐसे बहुत सारे इस साड़ी के कोट के साथ आप साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए एक सिंपल, सबसे सिंपल लुक लेके आई हूँ। तो इस तरीके से आप साड़ी को अपनी वेयर कर सकते हैं इस कोट के साथ, और अगर नहीं है आपके पास तो परचेस करिए, आपको जरूर काम आएगा ये हमेशा, और काफी अच्छा भी लगता है ये। साड़ी को इस तरीके से कार्डिगन के साथ भी पहन सकते हैं, ये फॉर्मल लुक है, आप कोई भी फॉर्मल पार्टी अटेंड कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा लगता है। और इस तरीके से मैं बहुत ही जगह पार्टी अटेंड करती हूँ तो इस तरीके से मैं जरूर वेयर करती हूँ, और काफी कंफर्टेबल है, आप लोग इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं।
मैम ने जिस साड़ी को स्टाइल किया है वो इसी जो मैंने वेयर कर रखा है शर्ट उसके साथ मैंने स्टाइल किया है। ये वाला शर्ट भी मुझे काफी काम आता है। ये एक्चुअली काफी पतले मटेरियल का है, पुलन ही है लेकिन इतना पतला है कि आप इसको इजीली दिन में भी पहन सकते हैं। रात में अगर पहनना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई अलग से कोई लेयरिंग कर सकते हैं आप, जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी। तो इस तरह के शर्ट के साथ आप काफी इजीली इस साड़ी को वेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मैंने आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी को भी पेयर किया है, वो भी काफी अच्छा लुक दे रहा है। इस तरीके से पहन के आप कोई भी अच्छी पार्टी इसको अटेंड कर सकते हैं और काफी प्यारा लुक आता है। दिन में भी आप अटेंड कर सकते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैं ज्यादातर जितनी भी साड़ियां लेके आ रही हूँ उसमें डार्क कलर ज्यादा है, क्योंकि ठंड में अगर हम डार्क कलर पहनते हैं, डार्क कलर के वुलन्स पहनते हैं या डार्क कलर की साड़ी पहनते हैं तो हमें ठंड कम लगती है। तो कोशिश करिए डार्क कलर की साड़ी लीजिए। लाइट भी ले सकते हैं, लाइट भी अच्छी लगती है, लेकिन डार्क कलर अगर हम लेते हैं तो डार्क कलर में कम ठंड लगती है। तो ये मेरा लास्ट लुक था और लास्ट स्टाइल था जो कि मैं आप लोगों को दिखाया मैंने आपको, और काफी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये थे मेरी सारी साड़ियों के साथ जिनको मैंने पेयर किया था, टॉप को या वुलन्स को, जो आप लोगों को काफी हेल्प देंगे। आप लोग भी इस तरीके से कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों के पास होनी चाहिए, मैंने आपको बताई, वो आप लोग जरूर लीजिए अगर नहीं है आपके पास। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं स्टाइल करने के, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैं कम लेके आई हूँ। नेक्स्ट फिर कभी वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं, और अलग अलग फंक्शंस में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आप साड़ी को डिफरेंट तरीके से पहने तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसके लिए भी वीडियो अलग से लेके आऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम उसमें पहन सकते हैं साड़ियों को। तो ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और कौन सा आपको स्टाइल अच्छा लगा, कौन सा लुक अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा मुझे। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और नीचे जो बेल आइकन आता है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि और भी वीडियोस में डालने वाली हूँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा, बाय बाय।